हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्लॉग स्टार जानवी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है पालक और मम्मा आज बनाने वाले हैं पालक की टेस्टी सी रेसिपी। इसके लिए मम्मा ने पालक को अच्छे से धोकर इसको काट लिया है। तो हम ले रहे हैं कटी हुई पालक और इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा बेसन। ये बेसन हम डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए और साथ में डालेंगे मसाले, जिसमें आएगी हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और याद रखिएगा, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी पालक में बहुत पानी होता है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक और इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। एक तरफ ना हमने एक पतीला लिया हुआ है जिसमें पानी गर्म होने रखा है और उसके ऊपर रखी है ये जालीदार थाली। इस थाली पे ना लगाना है ऑयल अच्छे से और ये जो बैटर बनाया ना, इसकी बॉल्स बना के इस पे रख देनी है और इसको एक दूसरी थाली से हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। साइड बाय साइड हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी। तो हमने ले लिया कुकर और उसमें डाल रहे हैं हम सरसों का तेल। इसमें डालेंगे हींग, जीरा। जब जीरा अच्छे से भून जाए तो हम उसमें डालेंगे जो हमने चॉप किया था लहसुन प्याज और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे गोल्डन होने तक भूनना है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब ऐड करेंगे चॉप्ड टोमेटोज। ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं वाटर और इसे अच्छे से मिक्स करके कुछ देर से पकने देंगे। साइड बाय साइड हम चेक कर लेंगे कि जो हमने स्टीम होने के लिए अपने कोफ्ते रखे थे वो स्टीम हो चुके हैं या नहीं। अच्छे स्टीम हो गया और उसे निकाल लेंगे एक थाली में। देखने में तो कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब ये हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं अपने स्टीम्ड पालक के कोफ्ते। अब आपको जितनी भी इसमें ग्रेवी चाहिए, जितनी गाढ़ी, आप उतना इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। इसे कुछ देर अच्छे से पकने देना है और हमारे रेडी है स्टीम्ड पालक के कोफ्ते। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।